उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बाढ़ क्षेत्र का दौरा करने गोंडा के तरबगंज तहसील के बरौली गांव पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी और उनका हालचाल भी जाना। मुख्यमंत्री ने बाढ़ से पीड़ित जनता से को संबोधित भी किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा लोगों को सुरक्षित रखने की सहायता देने का आश्वासन भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बात करते हुए सवर्ण समाज द्वारा आज SC ST एक्ट पर हो रहे भारत बंद के प्रदर्शन पर कहा कि भारत बंद का कोई मतलब नहीं है, लोगों की भावनाएं हैं, लोकतंत्र में सभी को अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अधिकार है, सरकार सबकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही CM योगी ने कहा कि हम लोगों को जाति, मत और मजहब में बांटने के पक्षधार नहीं है, संरक्षण के लिए कानून बनाया गया है, कानून का दुरुपयोग नहीं होगा, इस बात का आश्वासन उन्होंने दिया। इस वर्ष बरसात ज्यादा है, लेकिन बाढ़ से बचाव के जो उपाय विगत एक वर्ष में हमारी सरकार ने किए, इसके कारण बाढ़ जैसी आपदा पर नियंत्रण करने में काफी हद तक मदद मिली है। फिर भी जो पीड़ित हैं, उन पीड़ित परिवारों को तत्काल राहत सामग्री मिल सके, इस दिशा में हमारी सरकार ने पूरे बंदोबस्त किए हैं। मैंने स्वयं अपने सभी मंत्रियों से इस बारे में कहा है कि वे जाकर के प्रभावित क्षेत्रों में कम से कम दो दो दिन कैंप करकर अपने सामने राहत सामग्री पीड़ित परिवारों को वितरित करने का कार्य करें। आज मैं स्वयं बस्ती गोंडा, बाराबंकी और सीतापुर जनपद के निरीक्षण में निकला हूं। इन जनपदों के निरीक्षण के पीछे का उद्देश्य है कि राहत कार्य कैसे चल रहा है और समयबद्ध ढंग से। गोंडा से ये थी राहुल तिवारी की रिपोर्ट।